सामान, चीजें, वस्तुएं या कुछ भी कह लो, घर मेरा अलग अलग तरह की चीजों से भरा हुआ है। कुछ खरीदा हुआ, कुछ इकट्ठा किया हुआ, कुछ मिला, कुछ मांगा। जैसे वो 2500 की घड़ी जो अब वक्त नहीं बताती, बस ढीठ सी उसकी सुई भी मेरी तरह मानो कहीं अटक सी गई है। और वो लकड़ी का बना रेलवे इंजन जो ऐसे कोने में रखा है कि ना मेरी नजर उस पर जाती है और ना ही उसकी मुझ पे। वो लोहे का भारी भरकम उल्लू जो दरवाजे पे टंगा तो है पर जिसकी आंखें एक टक बस शून्य में देखती रहती है। कोई हलचल नहीं, कोई सलाम नमस्ते नहीं। मेहमान उसको देखकर चाहे कितनी भी तारीफ कर ले, उसे तो शून्य से मतलब है। खैर, एक टैंकर भी है जिसकी नली घुमाओ तो प्यारी सी धुन बजती है। आखिरी बार कब सुनी थी याद नहीं, किसको फुर्सत है इतनी। ऐसे ही अगर गिनाने बैठूं तो और भी बहुत कुछ है, जैसे वो कैरम बोर्ड जो बस अभी लॉकडाउन के दौरान खूंटी से उतारा गया, झाड़ा गया और कुल मिलाकर 2 बार खेला गया। वो बंदर के तो क्या कहने जो रस्सी से लटका है, उसका दाम देते वक्त हाथ कांप रहे थे क्योंकि पैसे नहीं थे, पर अकल भी कहाँ थी, सो ले आए घर। ऐसे ही छोटी मोटी, लंबी चौड़ी, अलग अलग धातुओं की अनगिनत चीजों से मैं दिन भर घिरी रहती हूँ। पर आज जब नजर दौड़ाई तो पता चला ये तो मेरे ही घर में मेरी ही जगह घेर कर धूल चाट रहे, मानो मुझसे पूछ रहे हो कि अब करना क्या है हमारा। मैंने समझाना चाहा कि अरे साज सजावट भी जरूरी है, तो सवाल उछाला गया कि क्यों भला और किसके लिए। अरे घर को घर बनाने के लिए, तो तुनक के रजनीकांत का शोपीस बोला, हमसे बनाओगी घर। मैं जवाब देने ही वाली थी कि कोने में पड़ी साइकिल इतरा के बोल उठी, छोड़ अब मैडम, क्या बोलोगी आप। मेरा गुस्सा मानो 7वें आसमान छू रहा था, पर जवाब तो चाहिए था मुझे, तो उस नक्काशी से शराब और लकड़ी के फ्रेम को ही पूछ बैठी, क्यों तुमसे नहीं बनते घर। अब वो ठहरी लकड़ी की फ्रेम, उसका तजुर्बा भी हमसे ज्यादा, घर परिवार की तस्वीरों से तो वो पहले से ही वाकिफ थी। सो बड़ी ही व्यंग पूर्वक मगर सच्चाई से भरी आवाज में बोल पड़ी, मैडम घर हंसी ठहाके, बातें, गप्पों, शोर, सपने, उम्मीदों और प्यार से बनता है। हम तो बस आपके शौक भर हैं, पल भर के, वो भी भूले बिसरे। एक पल में खरीदती हो, दूसरे पल सजाती हो और बस अगले सामान की तैयारी शुरू कर देती हो। अब मुझे गुस्सा आ रहा था, पर इन निर्जीवों से क्या मुंह लगना, तो बड़प्पन दिखाते हुए मैं चुप हो गई। और रही बात उनकी, तो वो तो पहले से ही चुप थे, तो मानो बात आई गई सी ही हो गई। आपने आखिरी बार अपने घर की चीजों से कब बात की थी।